ये कविता संग्रह है चांद के आईने में, प्रेमचंद गांधी का। और कविता का नाम है एक कविता उसके लिए। एक कविता रचनी है मुझे उसके लिए, वो जो अपनी रंगत से सबसे अलहदा है, जिसका सलोना सौंदर्य जगाता है जादू, वो जो मुंह से नहीं नैनों से बोलती है, जिसके मौन में तैरते हैं छंद और मुंह खुलते बचती है जल तरंग, उसके लिए जिसने चुपचाप सौंप दिए थे अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में किताब की तरह, कि पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मेरी आंखों से टपके आंसुओं ने भिगो दिए थे उस किताब के वरक, जिसे कृष्ण के साथ राधा का नाम दिया कवियों ने और अमर कर दिया। उसी राधा के लिए रचनी है एक कविता। इस अंधकार भरे समय में, जब कृष्ण भक्ति और प्रेम पर कारोबारियों का कब्जा है, मेरे पास अपनत्व की भाषा है। शायद यही मेरी कविता है उसके लिए। जब मैं इंडिया में डांस सिखाती हूँ और जब पेरिस में डांस सिखाती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जब उनकी लाइफ से गुजरते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके लिए क्या है प्यार, क्योंकि प्यार का टॉपिक बहुत जल्दी छिड़ जाता है। अक्सर देखा है कि पेरिस में लोग, हम किसी भी फॉरेन कंट्री की बात कर सकते हैं, वहाँ लोग बहुत जल्दी किसी के साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर है, क्या पता ये पर्सन हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। इंडिया में कई चीज़ें अलग हो जाती हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आपको पता है कि अगर वो कहीं आपको किसी के साथ जोड़ेंगे या आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ेगा, तो कभी कभी आपको एक दबाव भी रहता है कि आपको उसी पर्सन के साथ रहना है, क्योंकि आपकी मैरिज हो चुकी है, जो कि फॉरेन नहीं होता। और ये बात सच है कि जब वाकई कोई एक दूसरे को प्यार करता है, यानी जब वाकई आप किसी के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे दो जने जब वापस कभी मिलते हैं बहुत सालों बाद, तो बड़ी प्यारी सी फीलिंग आती है। एक दूसरी कविता है इन्हीं की, फिर तुम्हारे साथ। एक अरसे बाद देखा तुम्हें, तुमसे जी भर कर बातें की, दिल खोल कर आंखों में भर लिया मैंने। थोड़ी कमज़ोर लग रही थी तुम, लेकिन आंखों में वही चमक कायम थी जो मुझे खींचती है हर बार तुम्हारी ओर। आधा दिन गुजारा साथ हमने, तुम्हें ख्याल नहीं रहा या जानबूझकर, तुमने दुपट्टा नहीं डाला इस दौरान, न गीले बालों में कंघी की तुमने, न खुशबूदार तेल लगाया, या कि तुम्हें याद था मुझे अच्छे लगते हैं तुम्हारे लंबे घेसू ऐसे ही। एक बार फिर चकित था मैं तुम्हारे ज्ञान पर, और तुम खुश थी मेरी कामयाबी पर। कितनी बार हंसे हम एक साथ, कितनी बार गूंजे हमारे ठहाके, कोई हिसाब नहीं। मैं याद रखूंगा उस स्पर्श को जो चाय के कप के साथ दिया तुमने, उस वक्त की सिहरन याद रहेगी मुझे, जैसे याद है पहली बार तुमसे गले मिलना और फिर मारे शर्म के एकदम से छूट जाना।